Good morning from Learning Society's UnConference 2020. I'm here today with Asha Boone of Barefoot, Barefoot Skateboarders. We're attending this conference together. And my question for Asha is, Asha, what have you learned during your 4 days here at this LSUC? I learned a lot of things from the LSUC. I met a lot of new people, and I came to know about their stories, and I enjoyed a lot, and I did a lot of activities like dance, and painting and meditation things. LSUC. एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे आई एंड मेरे को इतना अच्छा मौका मिला और या काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे एंड आई होप कि मैं यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख के जाने वाली हूँ अभी और भी लोगों से बहुत सारे लोगों से बात करने वाली हूँ कि मैं अपने गांव के लिए बच्चों के लिए कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ अच्छी टीचर कैसे बन सकती हूँ तो या काफ़ी सारे लोगों से मिल चुकी हूँ मैंने बात भी की है एंड अभी और भी बाकी है तो जो मैं अभी ये एक दिन में करने वाली हूँ Another question for you is yesterday you and Anil and Arun set up a stall and that stall had postcards and information about your NGO. Can you tell us some of the questions that people asked to you about Barefoot? लोगों ने पहले तो आके पोस्टर्स देखे कि हमारे पास क्या क्या पोस्टर्स हैं और ये किस बारे में है क्या हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बारे में तो उनके ये क्वेश्चन थे एंड जो हमारे स्पीकर्स था नो स्कूल नो स्केट बोर्डिंग एंड गर्ल्स फर्स्ट तो बोले थे कि ये स्टिकर्स क्यों हैं तो हमने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये स्टिकर इसलिए बनाए थे क्योंकि हमारे गांव के पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो हमें ये रूल बनाना था एंड गर्ल्स को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता था कुछ चीज़ें करने का तो इसलिए हमने स्टिकर गर्ल्स फर्स्ट के बनाए और बुक्स के बारे में बुक्स में हमारे गाँव की स्टोरीज लिखे कुछ बच्चों की और स्केट बोर्डिंग के बारे में एंड हम और हमें उनसे क्या मदद चाहिए तो हमने ये भी बताया कि हमें उनकी मदद चाहिए अगर वो हमारे यहाँ आ सकते हैं वॉलेंटियरिंग करने के लिए और बच्चों को कुछ उनके तरीके से सिखा सकते हैं तो उनका हमेशा वेलकम है